नहीं, निश्चित तौर पर ये ब्लेम गेम में जनता लगातार पिस रही है। पिछले 8-9 साल से अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से बचने के लिए ये दोनों सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती हैं, एक दूसरे को कहती हैं जिम्मेदार है, चाहे वो कोरोना पीरियड रहा चाहे दूसरे समस्याएं रहीं। आज जब बाढ़ की स्थिति है, वही कोई बदलाव नहीं आया, ना कोई संवाद है, ना कोई किसी से कोऑर्डिनेशन है दोनों सरकारों का, और उस वाद विवाद में दिल्ली की जनता पिस रही है। आज बाढ़ में भी वही स्थिति है, अव्यवस्था है। एक तरफ प्रशासन के अफसर कुछ कहते हैं, कल भी हमने कहा था कि एक नई पार्टी बन गई ऑफिसर्स के रूप में, उनका कोई स्टेटमेंट आता है। अभी मैं मजनू का टीला के पास रिलीफ कैंप से आया हूँ, वहाँ घोषणा कर दी गई कि भाई वहाँ तो पानी और बढ़ने वाला है, तो ऊपर चले जाइए। चीफ मिनिस्टर सुबह ट्वीट करके उनको कह रहे हैं कि कोई पानी नहीं बढ़ रहा है, पानी अब मैनेज हो गया, आप घरों को वापस लौटिए। और वहाँ एक दुर्घटना भी हुई, हम सामने स्कूल है मजनू का टीला चौकी के साथ लगता हुआ, उस पर हम रिलीफ का मटेरियल बांट रहे थे, खाना वितरित कर रहे थे आओ मदद का हाथ बढ़ाए आयोजन के तहत, और पता लगा कि कई बच्चों को और उनको एक वाटर टैंकर जल बोर्ड के किसी वाहन से उनको कुचल गया है। 8-10 बच्चों को, महिलाओं को वो गंभीर चोटें आई हैं। तो इन हादसों से बचना चाहिए, प्रशासन को एक व्यवस्थित तरीके से सामने आना चाहिए, सरकारों को आपस में कनेक्ट होना चाहिए, दोनों सरकारें अहम छोड़ें, अहंकार छोड़ें और लोगों की मदद करें। ये कांग्रेस पार्टी पर धोखा क्या, हम मानते हैं कि लगातार 9 साल से बड़े बड़े प्रचार प्रसार की बातें की गई हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत, एक बारिश में पूरी दिल्ली में झीलें झीलें बन गई, आपने देखा, कोई डीसिल्टिंग नहीं हुई, कोई काम मानसून एक्शन प्लान पे नहीं हुआ, और जब बाढ़ आई पीछे से पानी आया तो आप उसको मैनेज करने में फेल हो गए, आप एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे। भाई 5 साल से 8 साल से अपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही है, जो गेट 32 गेट थे ITO बैराज पे, उनमें 6 जाम मिले, तो ये अगर वो खुले होते तो पानी सामने की तरफ बह जाता। तो ये जो त्रुटियां हैं, ये पूरी तरह सरकार का फेलियर है, नाकामी है, और हम कहेंगे कि सरकार को मानवीय चेहरे के साथ सामने आना चाहिए और एक व्यवस्थित एक प्लान वे में बाढ़ पीड़ितों की मदद और राहत उन तक पहुँचाए। बहुत दुखद है, कुछ बच्चे बाढ़ के पानी, कहीं था कोई कंस्ट्रक्शन साइट थी वहाँ डेथ हुई है, उनको भी मुआवजा होना चाहिए। जो लोग उनके पशु बह गए हैं या डेथ हो गई है, जो किसान जमुना की खादर में खेती करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जमुना बाजार जैसी जगहों पर रहते थे, जिनका स्कूल का सामान सब चला गया है। जो मार्केट है तिब्बतन मार्केट और जो मोनेस्टी की मार्केट है, जो जमुना बाजार की मार्केट है, उसमें छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका सारा सामान ख़त्म हो गया, क्योंकि टाइमली चेतावनी नहीं दी गई। अगर प्रशासन, अगर कोई पानी हथनी कुछ बैराज से आता है, 70-72-74 घंटे उसको दिल्ली पहुंचने में लगते हैं, उनको समय से चेतावनी दी जाती तो उन लोगों का ये नुकसान नहीं होता। आज वो सड़क पे आ गए, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इनको फौरी मदद 10,000 की कल हमने जो डिमांड की थी सरकार ने मांगी है, हम धन्यवाद दिए, लेकिन सरकार को मानवीय पहलू के साथ ज़्यादा मदद के लिए आगे बढ़ना।